भैया राम राम। आप उन्हें देख रहे हैं बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र वेदी मचो का है जो पूरे शहर में जहाँ देखो जहाँ जहाँ देखो जहाँ ढोल नगाड़ा बज रहे भैया आजादी को अमृत उत्सव कैसे मनाओ जाए जो तो कोई छतरपुर से देखे आज कुशवाहा समाज की तरफ से एक कलश यात्रा निकाली गई है। कल रामायण को पाठ बिठाओगे तो रामायण भई थी अखंड रामायण है और आज जब कलश यात्रा निकाल के विशाल भंडारा करो जा रहे हैं क्योंकि हम लाइव प्रस्तुति आप लोगों का दिखा रहे हैं कि देखो ये सब थोड़ा बैंड के संगे या लाइव प्रस्तुति आप पूरे घर बैठ के देखो देखो भीड़ भाड़। पुष्पेंद भैया आज के आयोजन के बारे में बताओ कछु में आज को जो आयोजन काय है करो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लवकुश भगवान की यात्रा समाज के द्वारा सभी समाजों के सहयोग के द्वारा निकाली जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है। यहाँ रामलीला मैदान से शुरू की गई थी और ये जसरानी दरवाजा जाते हुए हमारे लवकुश मंदिर पर वहाँ समापन होगा। वहीं पर भंडारा है। शहर के सभी लोगों को हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से फोन के माध्यम से इनवाइट किया था कि सभी लोग भंडारे में उपस्थित होकर समस्त शहरवासी प्रसाद ग्रहण करें पुण्य लाभ अर्जित करें शांति अमन बनी रहे अच्छी बारिश की कामना करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर भंडारा रखा रैली निकाली जा रही है। लोग को भगवान के लेके कोई उत्साह है समझ रहे बुंदेली चुगली ऐसे कार्यक्रम के लाने भैया जानो जाते हैं। हाँ भैया आज की यात्रा के बारे में बताओ कुछ बोलो ना कछु नहीं बोल रहे मस्त यात्रा निकल रही है आनंद आ रहा है बस जयंती के अवसर पर निकल रही है अपनी यात्रा बहुत बढ़िया लोग कुछ जन्मोत्सव आप कैसे देख रहे हैं आप बोरे कुशवाहा समाज की तरफ से कुशवाहा मंदिर से कलश यात्रा गल्ला मंडी पहुंची और गल्ला मंडी से कलश यात्रा भैया हाँ आज की यात्रा को कहा है आज की यात्रा जब कहा है से मैंने कारी गई बताओ जहाँ अपनी लवकुश जयंती निकल रही आज की यात्रा के बारे में बताओ यात्रा काय की निकाली आज की यात्रा हम लोगों की लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और सरानी दरवाजे के बाहर हम लोग लवकुश भगवान की स्थापना की जा रही है इसलिए कुशवाहा समाज इकट्ठे होके सब लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पर जाएंगे इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर भंडारा किया जाएगा। बहुत बढ़िया देखो भैया लवकुश भगवान की स्थापना मंदिर में होने हैं वही चलाने अखंड राम धुन को पाठ करोगे वही पाठ समाप्ति के बाद भंडारा होने हैं जो यात्रा निकाली जा रही है आप देख रहे हो भैया घुमा के चारों तरफ दिखा दो को रहना जाए सब देने का दिखाओ जो यात्रा हम यही से जब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे देख लो सभी जने यात्रा को एक विशेष मकसद है विशेष संदेश है खास संदेश है कि हमें अपने धर्म के प्रति नई पीढ़ी का कैसे जागृत करने नई पीढ़ी कैसे आगे आए पुष्पेंद का है आज कुशवाहा समाज के लाने को संदेश है वो चाहो समाज के लाने कुशवाहा समाज के साथ साथ हम समस्त वर्ग के लोगों से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन शहर की शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए के लिए निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। इसका ये प्रयास कुशवाहा समाज ने किया है और सभी समाजों के द्वारा सभी वर्गों के द्वारा निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं उसी के देखकर निरंतर हम लोगों ने भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया होगा। भैया जय हम पुष्पेंद कुशवाहा कांग्रेस के नेता भी है वार्ड मेंबर भी है और लोगों जयंती की धूम है आप देख रहे हो खुशी भैया सबके चेहरा में एक अलग खुशी है एक अलग उत्साह है लग रहा है कि हाँ जयंती निकाली जा रही है। अब देखो जो
समूह भी देखो, इस तरफ चारों तरफ देखा जाए तो जन समूह जो जुड़ो है, तो कुशवाहा समाज की रैली का लेके जो देखो इतने तकरार भी हो रही। अच्छा जुलूस लेकर जय श्री राम, ठीक है बहुत बढ़िया, दूर से बोल रहे थोड़े। अब जो देखो भैया डीजे आगे भी पीछे भी खूब धाम चारों तरफ है, लोगों भगवान की कुशवाहा कार्यक्रम जो तो आयोजित श्री कुशवाहा मंदिर से भाव है, कुशवाहा मंदिर रैली निकलने जा रही है जी। कलश यात्रा पहुंची गल्ला मंदिर, गल्ला मंदिर से जब कलश यात्रा कुशवाहा मंदिर दोबारा पहुंच रही है, होते पे जाएगी। हमारा विनोद कुशवाहा नाम है, देखिए जो कुशवाहा समाज के भाई लोगों का निवेदन है इसी तरह संगठन बना रहना चाहिए, कोई आर्थिक व्यवस्था अपनी कमल नहीं होना चाहिए, कोई कमजोर ना समझे कुशवाहा समाज को। इससे लाखों जयंती हर साल निकलती है, इसी प्रकार हर साल इसी प्रकार निकालते रहे और लाखों जयंती का प्रेस्ता करने जा रहे हैं भैया। एक मौका के मौसम पे दूसरा मौका। दोनों चीजें हैं साथ में, प्राण प्रतिष्ठा और संघ में। भैया एक तीर से दो निशाना साधे जा रहे हैं, देखो दिमाग को काम करो जा रहे है कि बार बार महंगाई है, पेट्रोल खर्चा ना हो तो इसके संगे संगे भगवान को काम और देश को काम दो ही बराबर है। बहुत बहुत शुभकामना भैया कुशवाहा समाज का, पूरी समाज का बहुत बहुत बधाई। हाँ ये भैया कुशवाहा समाज ने दो ही काम संगे करे, ट्विन वन, एक के संगे दो, कि तिरंगा यात्रा को आयोजन और संगे संगे लोकस जयंती वा भी मनाई जा रही बड़ी धूमधाम से, लोकस महाराज को जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति भैया में तभी समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया और हमारी राम राम।